माइनक्राफ्ट, बट ईटिंग इंक्रीज माई हाइट। जैसे ही मैंने खाना खाया मेरी हाइट इतनी बड़ी हो गई। और हाँ, ये चैलेंज ले लिया गया है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मुझे यहाँ पे स्पॉन कर दिया गया है और मैं कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया हूँ। एक ब्लॉक में मेरी तीन हाइट के बराबर है। मेरे जैसे तीन आ जाए तब एक ब्लॉक पे चढ़ पाऊंगा, और मुझसे ज्यादा बड़ी तो मेरी शैडो। इससे पता चलता है गेम ने आज भी सस्ते जैसे कर रखे हैं। तो मैं स्पॉन तो अच्छी जगह पे हुआ हूँ, पर ये क्या भाई, अबे भाई ये क्या है। और एक बात देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं एक ब्लॉक पे आराम से चढ़ पा रहा हूँ और नीचे उतरने पे मुझे डैमेज नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले अपने टूल बनाते हैं और मैं खाना कलेक्ट करता हूँ और देखते हैं हमारी हाइट बढ़ती है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो मेरे छोटे टूल रेडी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितने ज्यादा छोटे लग रहे हैं, और ये क्राफ्टिंग टेबल कुछ ज्यादा बड़ी लग रही है। तो अभी बिना देर किए हम लोग खाना ढूंढते हैं, और मैंने क्राफ्टिंग टेबल को उठा लिया है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं खेल रहा था और मुझे एक चीज दिखाई दी है। देखो मैं ब्लॉक्स के अंदर तक पूरा देख सकता हूँ। ऐसे हम डायमंड ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अभी मैं कुछ खाने को ढूंढता हूँ क्योंकि मेरी मुझे अपनी हाइट बढ़ानी, भाई मैं इतना छोटा नहीं रह सकता। ऑलराइट गाइस, तो अभी मुझे यहाँ से एक शिप की साउंड आई है। ऑलराइट, मुझे ये मिल चुकी है। ओ मैंने इसे मार दिया। अभी देखते मैं खाना खाता हूँ मेरी हाइट बढ़ती है या फिर नहीं। नहीं, अरे यार मेरे हंगर बार ही कम नहीं हुए। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरे हंगर बार कम हो चुके हैं और मैंने खाना खाया। ओ लिटरली मेरी हाइट बढ़ चुकी है। यस, अभी देख सकते हो भाई मैं हो चुका हूँ एक ब्लॉक जितना हो चुका हूँ मैं। बस थोड़ी थोड़ी सी कमी रह गई। अभी एक ब्लॉक जितने तो हो चुके हैं। अभी हमें और कुछ खाना पड़ेगा जिससे हमारी हाइट और ज्यादा इंक्रीज होगी। वहां पे काऊ है, अभी उसका उसे खाते हैं। अभी काऊ को मारते हैं, मैं मार ही नहीं पा रहा काऊ को। और अभी मेरा पीसी थोड़ा लैग भी कर रहा है भाई। पता नहीं मैं नॉर्मल हाइट का कब तक होऊंगा। मैंने काऊ को मार दिया और यहाँ पे मुझे रो बीफ मिल चुका है। अभी इसे खाते हैं। सबसे पहले हमें डैमेज लेना पड़ेगा यहाँ पे। अबे यार मैं पानी में कूद गया भाई। अभी पानी में हम थोड़ा डैमेज ले सकते हैं। अभी यहाँ पे नीचे कुछ अमेजिंग मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। अबे यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी है भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा। माइनक्राफ्ट पर है पता नहीं क्या हो रखा। अभी थोड़ा डैमेज लेते हैं। आई गेस इतना डैमेज काफी है वरना मैं मरूं। अबे ऊपर चल भाई। अबे चल यार, डरा दिया था भाई एकदम। अबे चल यार ऊपर। हाँ अभी मेरे हंगर बार कम हो रहे हैं। अभी मैं खाना खाता हूँ और देखते हैं मेरी हाइट बढ़ती है या फिर नहीं। ओ भाई इंक्रीज हो गई है मेरी हाइट। अभी शायद मैं नॉर्मल हाइट का तो नहीं हुआ। अभी मैं कुछ और खाऊंगा तो मैं नॉर्मल हाइट का हो जाऊंगा। मुझे अभी पिग ही खाना चाहिए। अभी पिग को ढूंढते हैं और यहाँ पे अभी हम स्टोन के टूल बनाते हैं पहले। एक बात तो भूल ही गया था, हम लोग पका के भी तो खाना खा सकते हैं। वो भी तो एक अलग खाना ही हुआ ना। तो जल्दी से पकाते हैं। सबसे पहले मैं फर्नेस बनाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी फर्नेस रेडी। और मैंने उस साइड हो रहा कोल देखा था। अभी कोल लेके आते हैं और हमारी हाइट और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यहाँ पे से काफी सारा कोल मिल चुका। मुझे 18 कोल मिल चुका। अभी शायद इतना काफी। और अभी रात भी होने वाली भाई। मुझे अपने रहने का जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे और शिफ्ट तो मुझे दिख नहीं रही। सबसे पहले खाना गर्म होने के लिए रखते हैं, खाना पकाते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे आग तो जल चुकी है। अभी सबसे पहले एक दो टॉर्च भी बना लेते हैं।
ऑल राइट गाइस, तो मैंने काफी सारी टोर्ट भी बना ली और अभी मैं वहाँ पे शिप को देख के आता हूँ। तब तक हमारा खाना गर्म हो रहा है। अगर दो शिप और मिल गई तो भाई बेड का जुगाड़ हो जाएगा। मुझे शिप वगैरह तो मिल नहीं रही। अभी जल्दी से अपने अड्डे पर चलते हैं और नीचे खड्डा खोद के सोते हैं भाई नूब के जैसे। अब भाई वहां पे क्रीपर भी घूम रहा है। सबसे पहले अपना खाना खाते हैं। और ऑलराइट गाइस, तो मैंने खाना तो खा लिया पर मुझे नहीं लगता मेरी हाइट बड़ी भी है क्या। अभी ये ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओ मेरी हाइट शायद बढ़ गई है। अरे यार मेरी हाइट इंक्रीज। अबे यार ये क्या हो रहा है, मेरी हाइट इंक्रीज क्यों नहीं हो रही। ऑलराइट गाइस, तो हमारी हाइट इंक्रीज हो चुकी है और अभी मैं आपसे सुबह मिलता हूँ यार इन ज़ॉम्बीज से बच के। ऑलराइट गाइस, तो अभी ज़ॉम्बीज से बचते बचाते भाई सुबह हो चुकी है और मुझे यहाँ पे ज़ॉम्बीज का मीट भी मिल चुका है। रो फ्लैश शायद इसे ऐसे बोलते हैं। अभी इसे खा के हमारी हाइट देखते इंक्रीज होती या फिर नहीं। मैंने दो खा लिए और मुझे इफेक्ट भी मिल चुका। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका हूँ और मुझे लगता है अपना घर बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं जितना ज्यादा बड़ा हूँगा मुझे केव्स में जाने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले अपना सामान उठाते हैं यहाँ पे और कुछ स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाए तो उससे अच्छा होगा ही नहीं कुछ। अभी देखते हैं कोई विलेज वगैरह मिल जाए तो। अभी यहाँ से तो चलते हैं सबसे पहले। यहाँ पे क्रीपर भी और भी ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं बहुत सारे। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं समुंदर से यहाँ पे आया था और मुझे आते ही पता क्या दिखा। ये देखो भाई मुझे विलेज मिल चुका है और यहाँ पे मुझे खाना भी दिख रहा है। तो सबसे पहले खाना कलेक्ट करते हैं। मार दिया और हमारे पास 3 वूल हो चुके हैं। हम बेड बना लेंगे, पर बेड तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी सबसे पहले हम आयरन के टूल बनाएंगे। आप लोगों को तो पता ही है हम कैसे बनाएंगे। वो रहा आयरन कोलम, ये। और ऑलराइट गाइस, तो भी मुझे विलेज तो मिल चुका है और आयरन के टूल भी मिल चुके हैं। देखो वो घूम रहे वहां पे आयरन के टूल। तो सबसे पहले हम लोग आयरन के टूल ही बनाएंगे। भागते हैं, बहुत ज्यादा तकड़ा हिट किया। ऑलराइट, 3 बिल्डअप हो चुका है और अब इसे मारेंगे आराम से। ऑलराइट गाइस, तो अभी ये मर चुका और इसने कितने आयरन ड्रॉप किए। ऑलराइट, तो इसने 5 आयरन ड्रॉप किए। अभी हमारी पिकैक्स बन जाएगी। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है क्या। अरे यहाँ से मुझे काफी सारा ब्रेड मिल चुका है, एप्पल भी मिल चुके हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, तो ये एक खतरनाक चीज है जिससे हमारी हाइट बार बार इंक्रीज होती है, ये मोड है। और आप लोगों को भी ये मोड डाउनलोड करना है तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट गाइस, तो हमारी आयरन की पिकैक्स रेडी है। अभी इसे तोड़ते क्राफ्टिंग टेबल को और अभी जल्दी से डायमंड का आर्मर भी चाहिए। मुझे डायमंड ढूंढते हैं और यहाँ पे विलेजर वो ब्लैकस्मिथ मिल जाता तो काफी अच्छा रहता भाई। यहाँ पे ब्लैकस्मिथ है ही नहीं, मुझे अच्छे खासे डायमंड का जुगाड़ हो जाता। अभी इस केव में चलते हैं, यहाँ से कुछ अच्छी लूट मिल सकती है हमें। अब भाई ये तो शुरुआत ही खत्म हो गई। अरे यार शिट, अरे यार ये बहुत छोटी केव है। मुझे लगा यहाँ पे कोई अच्छी खासी केव मिल जाएगी मुझे, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं। अभी डेजर्ट टेंपल मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, पर इतनी अच्छी किस्मत नहीं है भाई। राइट गाइस, तो अभी मैंने इस पूरे विलेज को देख लिया भाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं, अभी आगे की तरफ चलते हैं। और अभी मुझे ये खाना अभी खाना मैं भूल ही गया था। मेरे खाना खाने से हाइट बढ़ती है और मैं रैंडम खाना भूल ही गया था भाई। अभी ब्रेड भी है मेरे पास, ब्रेड खाने से मेरी हाइट और ज्यादा इंक्रीज होगी। सबसे पहले इसे मेल्टिंग होने रखते हैं और अभी ब्रेड खाते हैं हम लोग। अब भाई 2 ब्रेड खा लिए, हाइट तभी अभी भी इंक्रीज नहीं हुई। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमारी हाइट इंक्रीज हो चुकी है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अरे यार अब कुछ ज्यादा ही हार्ड होता जा रहा है ये चैलेंज। और अभी मैं बेड बना के यहीं पे सोने वाला हूँ। अरे यार मेरे पास वुड भी नहीं है, अभी पेड़ लेने जाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा मैं बड़ा हो चुका हूँ मेरी स्पीड उतनी ज्यादा कम हो चुकी है। हाँ मिल गया मुझे बेड। और अभी सोते हैं भाई, कितने दिनों बाद
चैन की नींद आएगी, वो भी लेक के किनारे। अबे भाई, ओ ऑल राइट, मैं सो चुका हूँ, मेरे पैर बेड के पीछे आ रखे हैं भाई। तो गाइस आई गेस आज के लिए इतना काफी, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, मैं किसी भी वीडियो में गोल नहीं देता, तो मैं आज की इस वाली वीडियो में गोल दे रहा हूँ, 50 लाइक का गोल है। अगर 50 लाइक कंप्लीट करवा दिए तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। और हाँ गाइस, मुझसे बातें करने के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा।